नमस्ते नमस्कार श्री श्रीकाल आदाब वणक्कम एंड यू आर विद नम्रता। तो इस वीडियो में मैं आज आपको टू डिफरेंट साइड हेयर ब्रेड बताने वाली हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट एसटीआरटीडी। अब सबसे पहले अपने हेयर को अच्छे तरीके से कॉम कर ले और हेयर को एक साइड में ले ले क्योंकि हमें साइड ब्रेड बनाना है। तो इस तरीके से एक साइड में ले ले और एक रबर बैंड से टाई कर ले, जैसे पोनीटेल हम बनाते हैं बस उसी तरीके से टाई करना है। अब एक छोटा सा सेक्शन लेना है, मीडियम सेक्शन लेना है आपको अपने पोनी का, बस इतना छोटा सा। अब इसमें एक नॉट बनाना है। नॉट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने जो टू फिंगर्स हैं इस तरीके से आपको अंदर डाल के जो एंड है हेयर का उसमें से इस तरीके से उसे निकालना है और ये एक आपका नॉट क्रिएट हो गया। बस इसी तरीके से आपको बनाना है। तो फिर से मैं एक और सेक्शन लूँगी, सेम उतना ही सेक्शन लूँगी, ना मोटा ना पतला ज़्यादा, सेम उतना ही। फिर से सेक्शन लेके उसमें मैं जॉइंट कर दूँगी, जो पहले से ऑलरेडी मैंने लिया उसमें जॉइंट करके। अगेन वही स्टेप, आपको इस तरीके से नॉट क्रिएट करना है और उसे जो एंड है हेयर का उसे बाहर निकालना है। आपको इसी तरीके से पूरा स्टेप करना है, सेम प्रोसीजर है। एक बार ध्यान से आप, फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको इस तरीके से नॉट क्रिएट करना है, अंदर से बाहर निकालना है इस तरीके से। न्यू आपको जो स्ट्रेंथ है लेना है, ऐड करना है दो आप फिंगर की यूज़ से, जो हेयर का एंड है आप बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। आपको न्यू जो सेक्शन है ऐड करते जाना है। और इसमें गाइस आप पे डिपेंड है कि आप कितना नॉट्स बनाना चाहते हैं। अगर आपको पूरी आपके जितने लॉन्ग हेयर हैं उतने में पूरा नॉट्स बनाना चाहते हैं आप उतना बना सकते हैं, हाफ नॉट बनाना चाहते हैं हाफ बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। नॉट हेयर ब्रेड फिनिश होने के बाद अच्छे तरीके से रबर बैंड से टाई कर लें एंड हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल रेडी है। सेकेंड हेयर स्टाइल, इसमें आपको अपने हेयर को साइड में लेना है जैसे कि आपने फर्स्ट हेयर स्टाइल में लिया था, बस उसी तरीके से। इसमें आपको सबसे पहले डिवाइड करना है आपका हेयर इवनली, दोनों तरफ सेम, कहीं ज़्यादा कम ऐसा नहीं होना चाहिए, इवनली आपको डिवाइड करना है। उसके बाद राइट साइड से एक स्ट्रेंथ लेके लेफ्ट साइड में आपको ऐड करना है, जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मैं अभी लेफ्ट साइड से राइट साइड में स्ट्रेंथ ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम, ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला नहीं, मीडियम सेक्शन लेना है हेयर का और आपको बस इस तरीके से, जैसे ये लेफ्ट में सेक्शन मैंने लिया मीडियम सेक्शन और राइट में ऐड कर दिया, बस इसी तरीके से आपको क्रिस क्रॉस में आपको हेयर लेते जाने हैं। ध्यान रखिए कि आपको मोटा पतला नहीं, इवनली रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा जो लुक है आपका, ये फिश टेल ब्रेड जो मैं आपको बता रही हूँ इसका काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इसलिए मीडियम रखें, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, सिर्फ आपको ये इस तरीके से सिर्फ क्रिस क्रॉस करना है।
आपको ये क्रिस क्रॉस करना है जिससे कि आपका प्यारा सा फिश टेल ब्रिड बन जाए। अब रबर बैंड से टाई कर लें। So, ये फिश टेल ब्रेड तो बन चुका है, बट इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे हमें करना पड़ेगा पुल। अब इस चोटी में थोड़ा वॉल्यूम लाने के लिए गाइस मैं पुल कर रही हूँ। ध्यान रखिए कि जब आप पुल करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में नीचे से आप पुल करना स्टार्ट करें और वो पुल करते करते आप ऊपर जाएं। बट मेक श्योर कि आपको स्टार्ट करना है नीचे से, क्योंकि नीचे से आपका हेयर थोड़ा बाहर आएगा तभी वो ऊपर जाकर आप बाहर उसको निकाल सकते हैं। और जो आपकी जो चोटी है काफ़ी जो पतली दिख रही थी, आप देख सकते हैं काफ़ी वॉल्यूमाइज दिख रही है, काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव दिख रही है। तो पुल करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सेकेंड हेयर स्टाइल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो छोटी सी घंटी दी गई है उसे जरूर बजाइए। मैं मिलूंगी आपको इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। एंड यस, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल ज्यादा पसंद है। सो टिल देन बाय एंड स्टाइलिंग।